दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरे चैनल में एक नए वीडियो में आप सबका। तो आज इस वीडियो में जानेंगे मछली धोने का बेस्ट तरीका। तो मार्केट से मछली लाने के बाद इस विधि से धोया जाए तो मछली बहुत बेहतरीन बनता है, मछली का स्मेल चला जाता है और किसी प्रकार का भी मछली में स्मेल नहीं रहता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साफ़ पानी से एक दो पानी यहाँ पर मछली को धो लेंगे। और इसे हल्के हल्के हाथों से हम रगड़ेंगे ताकि मछली की पीसेस टूटे ना। एक से दो पानी धोने के बाद मछली इस प्रकार कुछ साफ दिखने लगेगी। एक से दो पानी धोने के बाद यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे नमक। नमक एक से दो चम्मच यहाँ पे लिए हैं। नमक को ऐड करने के बाद भी हल्का हल्का हाथों से इसे हम मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है फ्रेंड्स एक नींबू। नींबू का भी रस हम यहाँ पे निचोड़ेंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें फ्रेंड्स फाइनली हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा, जो कि 3 से 4 चम्मच हमें यहाँ पे लिए हैं। और इसे अच्छे से हम छीट देंगे ताकि हर पीसेस में जाके आटा मिले। आटा को मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे हल्के हल्के हाथों से। एक बात का विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स, इसे हमें हल्के ही हाथ से मिलाना है, नहीं तो ये पीसेस टूटने के चांस रहते हैं। तो हम यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से आटा को मिलाने के बाद हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक इसे हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम पानी से इसे वॉश करेंगे फाइनली। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना साफ़ हो गया एकदम। तो इस विधि से यदि हम मछली को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो फ्रेंड्स मछली का कोई भी रेसिपी यदि हम बनाते हैं तो मछली में किसी प्रकार का स्मेल नहीं रह जाता है और हमारा मछली एकदम बेहतरीन बनता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली ये वॉश हो गया है फ्रेंड्स, इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए मछली कितना बेहतरीन साफ दिख रहा है। तो मछली को फाइनली वॉश करने के बाद एक छन्नीदार बर्तन में हमें रखना चाहिए, जिससे इसका कुछ भी पानी अगर बचा हो तो वो निकल सके। तो ये फाइनली मछली बनाने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। आप अपने मनचाहे रेसिपी बनाइए। टेक केयर, बाय बाय।